तो भाई ये आज चले आए हैं फ्रूट्स, और ये गाजर खत्म हो गई थी, चकुंदर खत्म हो रहे थे, तो उस दिन गए थे हफ्ते पहले, सामान हफ्ते तो हो गया होगा। तो आज अनानास का जिक्र रहा था हमारा, तो ये अनानास क्या बात है रे, अनानास कितना किलो है, यू क्या दिया 80 का। तो यू देखो भाई आज बहुत महंगी सब्जी ले रहा है यू, आज मैं नहीं जा रही थी, आज धड़ी गाजर है, पहला दी थी 10 रुपये किलो और आज दी है ये 70 की 5 किलो। अरे चकोतरे 15 और पपीता, पपीता तो ठीक दे दिया 20 का, और ये किन्नू 20 रुपये किलो है पपीता, इतना महंगा दिया। और केले ये दर्जन 40 रुपये, जब मैं जा रही थी ना उस दिन 50 के 2.5 दर्जन दिए थे, और आज 40 के दर्जन लेके आया। और ये संतरे किन्नू, संतरे तो कौन किन्नू है, ये तो ये 20 रुपये किलो, 2 किलो हैं 3। और चकुंदर ये तो इतना ही है, वो 2 किलो है ठीक है। टमाटर 20 का 1.25 किलो, उस दिन मैं 10 का किलो ले आई थी, देख लो इतना फ़र्क है, अरे दे मेरा गेला जान में कितना फ़र्क है। और मटर, अच्छा तो आज महंगी हो रही है, मटर क्या भाव रही है बता दे, यूँ ना बताओ आज यूँ महंगा सौदा ले रहा जाए तो कोई बात नहीं। तो आज बनाएंगे हम पाइनएप्पल शेक, जो मेरा बहुत मन कर रहा था, ये देखो 80 रुपया का है, 2 दिन चलाऊँगी। चल फिर पहले तो आप ना नहा दो, खाओगी यो खाओगी बाद में खा लिए, ये बनावांगे इसका सेक बनावांगे। नानी नानी तो तिया नहा दी था हमने, आज नहा लियो नहा लियो, आज राम राम जी, कैसे आप सभी। तो आज मैंने बनाया पाइनएप्पल शेक, और ये देखो हमारा सारा यू का यू रखा है, एक घूंट भी नहीं पिया गया, सबने ऐसे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि बिल्कुल ही बद्दा टेस्ट, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देख के इसकी रेसिपी की कैसे बनाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में कि मतलब ऐसे के ऐसे मैंने बनाया जैसे यूट्यूब पे दिखा रखी है बहुत सारी वीडियोज़ में। और आज मैंने ये ट्राई किया, बिल्कुल दूध वेस्ट है, और 80 रुपये का जो मेरा पाइनएप्पल था वो भी वेस्ट हो गया। और मैंने ना देख के मैंने सोचा बहुत अच्छा बनेगा, ट्राई किया मैंने कुछ, तो मैंने पाइनएप्पल आज थोड़ा बहुत खा लिया था, कुछ रह गया था आधा से थोड़ा ज़्यादा था, और इसका मैंने ये बनाया तो बिल्कुल घटिया, बिल्कुल ही गंदा टेस्ट है। अगर आप ये सोचो कि इसको बनाना नहीं आया तो मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी, पक्का दिखाऊंगी, देखना लास्ट तक। और साथ ही इससे पहले आप एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में क्या कुछ आया और क्या कुछ बुरी खबर हमने सुनने को मिली और क्या कुछ है वो सब देखना, पूरा व्लॉग बहुत ही मेहनत से बनाया है और आप लोगों के लिए ही बनाया है, तो ज़रूर देखिएगा। और ये जूस कभी भी ट्राई मत कीजिएगा। हेलो राम राम जी, तो आज आए हैं हम मंगलम हॉस्पिटल जो जींद में है अल्ट्रासाउंड करवाने, तो वो रिपोर्ट लेके आई हूँ। बस अभी सुबह सुबह आए थे 9 बजे, कल भी आए थे, मैं आपको दिखा दूँ। तो कल सुबह पहुंच गए थे सबसे पहले तो सरकारी हॉस्पिटल यानी कि नागरिक अस्पताल में, उसके बाद फिर गए थे अल्ट्रासाउंड करवाने, मैं आए भी अल्ट्रासाउंड के लिए आज। और तो उस दिन अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था, तो नेक्स्ट डे आना था मुझे, तो मैं सोची जाते जाते ऑटो में आए थे, तो ऑटो से दिखा रही हूँ आपको जींद का रानी तालाब, कभी फुर्सत से बिल्कुल पास से दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट डे हम फिर आए तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जो जो लिख रखा है वो मैं सोचा छोटा हाथ शूट कर लेती हूँ, और फिर घर पे पहुँचे हम अल्ट्रासाउंड करवा के, क्या कुछ रिपोर्ट में हमें बताऊँ। जुंडू रोजी नाई नाई भी कोनी, याद नहीं आई तेरा मम्मा, रोया था अटले आगत है, रोया था मखेटा अपनी लाल की मुंडे मम्मा लेगी कोनी, नाराज हो रही है भाई, कल तो आंदे चिपटी थी आज ना चिपटी, आज कौन चिपटता भाई।
अच्छा देख इसके बाल को करो रे, धोनी पड़ेगी, नुवानी पड़ेगी। लो भाई बस ही पहुँचे हाँ, आकर इब खावांगे खाना, बाकी तो काम निपटा गई थी सवेरे सवेरे जो थोड़ा बहुत था, और इब खा लिया रोटी। अला के बनाया दिखाऊं भाई, आते ही सब्जी तो मैं बना गई थी, दूध मैं रही लगा गई थी, तो इन्हें रोटी बना दी, आटा भी लगा गई थी, और ये खाना पेट गए थे, और भूख बहुत जोर की लग रही है, 10:30-11 का टाइम हो गया होगा, और हालांकि मार्केट के बीच में तो आए हाँ भाई को अभी था कि मैं खा ले नुक बर्गर खा ले कि मैं पिज्जा जी कर दो, तो मैं खाली पेट है नुकसान होगा बालक का, के जरूरी है मखा जा का अपना सिंपल खाना खावांगे, यमी यमी है इसकी के रीस होवा है, तो खाली पेट फास्ट फूड तो थोड़ा अवॉइड करो, थोड़ा जीभ पे कंट्रोल करो। कल भी व्लॉग शूट करने की सोची थी मैं सोची घर पे आके और फिर व्लॉग बनाऊंगी मैं, लेकिन घर पे आते ही ऐसी खबर मिली कि मतलब फिर व्लॉग बनाने का मन ही नहीं किया, तो एक तो आते ही जो साथ में गई थी भाभी उनकी काटड़ी मुर्गी बड़ी झोटड़ी सी हो रही थी, तो वो ना बीमार हुई ना कुछ और, बस पाँव फिसला था और बस ठीक थी एकदम तई, तो इब डांगरा में भी दिक्कत आ रही है, फिर घर आई तो फिर माँ की लाल आँख हो रही थी मुखा के बात हो गई सी, तो बताया यार पड़ोस में छोरी एक छोरी है उसके दो बालक थे छोरे, एक तो 5-4 साल का और एक 1 साल और 1.25 साल का ही था, तो दोनों ही वे पानी में एक जो ओद सी बना देनी ओदी उसमें डूब के मर गए, तो बाहर तो भाई एक आंटी आ गई थी, तो कल आते ही व्लॉग इसलिए बिल्कुल मन उतर गया, क्योंकि इब उस परमात्मा ने दिए थे दो चिराग परमात्मा ने और वे बिना आंधी तूफान ने बुझा दिए, तो बड़ा दुख होया कि भाई बालक नु तो पैदा होने नहीं है, एक माँ का दर्द एक माँ समझ सके है, और मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि मैं नानी बन गई, तो उसका जो छोटा लड़का था ना वो 6-7 महीने का था तब, उस टाइम पे तब वो लेके आई थी, वो लड़की है गिमाने की, तो उसकी मतलब हमारे वह गुआंडी गुंडी किस तरह है, वो मेरी मम्मी ने चाची का वह है, तो उस हिसाब से मैं उस छोरी की मौसी ला क्या कर दी, तो मतलब उसकी माँ मेरी माँ ने चाची का वह है, तो उसकी माँ छोरी की मेरी लागी बहन है, और तो उस छोरी की मैं मौसी लागू थी और उसके बड़का की नानी लाग, मतलब कुछ ऐसा ही था, और या फिर खबर मैंने जब वो लेके आ रही थी उस टाइम बड़ी खुशी हो रही थी, बड़े प्यारे बालक थे खिलाए भी थे हैं, और गांगोली गांव क्या घटना है, खेलते खेलते दादा दादी जा रहे थे कि अपने इन बताएं खेता में, और माँ लाग रही थी काम, बस कुछ ही पला में मतलब उनकी तो जिंदगी उजड़गी, सही कहो कहते जमा उस टाइम कल इतना वो है, बस रुकया ही नहीं गया कल, तो बस मेरा तो इस हालत में फिर यह खबर सुनकर बहुत ही बुरा हाल हो गया था, फिर ऊपर तो फिर मम्मी भी रोवा थी कि भाई इतनी गंदी कर दी परमात्मा ने, नू के बुंडी कर दी किसी के गला करनी चाहिए, तो देवे ही नहीं राम, और देवे तो फिर सुख शांति बनाए रखे भाई, हम तो यह प्रार्थना करा हाँ परमात्मा जिंदगी लाओ, तो एक माँ ने माँ का दर्द समझ सके है, तो बस इसीलिए कल तो नहीं बना पाई थी, ईब आई हूँ अल्ट्रासाउंड करवा के, और हाँ ये बनावांगे इसका हाँ, तो पहले खाना खा लेते हैं, अभी आए हैं क्योंकि अल्ट्रासाउंड खाली पेट करवाते हैं, और चाय बस सुबह एक कप चाय ली थी और कुछ नहीं, फिर सुबह चले गए थे, जल्दी ही गए थे, और थोड़ा बहुत जो है काम दाम निपटा के, और फिर अभी आई हूँ, तो भाई आप लोगों ने कई बार वीडियो में देखा होगा कि अपने मन में ये इच्छा होगा कि मतलब आप पहले पता चल जाए कि पेट में बालक है, मतलब छोरा है सॉरी लड़का है या लड़की, तो कई वीडियोस भी देखा उर्वी की बढ़िया, तो मतलब था मैंने चाह कि के है के नहीं, तो जब तो मैं सोचा कर दी, तो उस टाइम मैंने वीडियो देखी थी, तब तो मेरा ध्यान है कि मतलब अगर बच्चे की हार्ट बीट BPM जो है 140 से कम हो
तो लड़का होने के संकेत है, और ज्यादा हो तो लड़की। तो उस टाइम उर्वी की थी 155 कुछ 154 55, तो जितनी बार भी अल्ट्रासाउंड कराई ना तो 140 तो ऊपर थी। तो उस टाइम भी मैंने पता था कि मतलब लड़की होगी। और अब की बार मेरी भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है और भाभी की भी है और जो मेरी छोटी बहन की उसकी भी देख ली, तो इनकी 140 कम है और मेरी 140 ज्यादा से ज्यादा है। तो एक बार मेरे इसी हिसाब से मेरे लड़की होने के चांसेस है, हालांकि ये पूरी तरह से बात पक्की नहीं होती, कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी अंदाजा है। तो इफ देखो आगे के कुछ होगा वो तो आपने जब होगा जब मेरा पटेगा है, तो ये तो एक महीने का फर्क है। मेरे से पहले भाभी का होलेगा, तो भाभी के होए पीछे लड़का ही होगा, जो गारंटी है। मैं पहले और दिखाऊँ मैं एक बार, कल हमनू नहीं गए तो एक रिपोर्ट के दिखाई थी, तो एक बार मैं रिपोर्ट में और दिखा दूँ, तो देखेंगे बाद में। फिर इनकी जो पहले जो लड़की की है और लड़के की वो जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है उनमें भी के कुछ दे रखे हैं, वो भी दिखाऊंगी मैं। तो ये देखो यहाँ पर मेरा नाम डिक्लेयर कर रखा है रितु, ये और ये देखो BPM 152 दे रखी है, और यहाँ पर भाभी का नाम मोना और इनकी है 24 वीक की तो 129 BPM, ठीक है। तो और ये जो टाइम पे जब अल्ट्रासाउंड करवा था उस टाइम भी 152 155 ये थी BPM, तो 8 बीट बच्चे की। तो इस हिसाब से अंदाजा लग रहा है कि मेरे मतलब लड़की होने के चांसेस हैं, चांसेस नहीं पक्के ज़्यादा है, और भाभी का लड़का, तो क्योंकि छोटी बहन की है उसकी भी 140 तक कम थी, तो उसका भी लड़का हो रहा है, उस वो तो रिजल्ट अपने सामने है ही। तो और दिखाऊंगी भाभी वो लड़के वाली दिखाइयो आपकी वो पहले, हाँ ऊपर है कि मैं लगता है, चल मैं देखांगे एक बार वो देखांगे, कंफर्म करना है पूरा पूरा। भाभी की कई साल पुरानी रिपोर्ट कटवाने लग रही हूँ मैं, पाजी की तो कई साल पुरानी। तो आज तो इस ब्याह बात जमा पूरी पूरी हो जाएगी। था भी बताइयो थारी अल्ट्रासाउंड में BPM के कुछ थी और के कुछ होया, क्योंकि अंदाजा है ये, हम पूरा कन्फर्म नहीं कर रहे, लेकिन एक सर्वे करने लग रहे हाँ इस चीज का कि कुछ है। तो देखा है कितने प्रतिशत सच है, लड़का लड़की तो देखो भगवान की देन है, और जो भी है वो चुचकार कर अपना आदर मान करना चाहिए परमात्मा की देन का, लेकिन फिर भी मन में थोड़ी इच्छा हो नहीं कि है पेट में अपना गर्भ में के पड़ रहा है, तो वह है बस। तो जो भी है तो है, लेकिन मन में थोड़ी शांति ही मिल जाए तो पता चल जाएगा। एक दो रिपोर्ट और दिखा दूँ, क्योंकि मैंने उर्वी की बढ़िया सारी रिपोर्ट संभाल कर रख रखी थी और वो मैंने मैच करी, तो उसके अकॉर्डिंग ये है। फिर छोटी बहन की रिपोर्ट देखी, उसके भी फ़ोन में ही थी वे, तो उसके हिसाब से भी फिर नुए बात सामने आई कि मतलब 140 तक कम है तो लड़का और 140 से ज़्यादा तो लड़की BPM जो 8 बीट है बच्चे की। तो ये और देख लिया है कि मिल गई, देखी आगे ये रिपोर्ट नहीं मिले छोरे ही पड़ा ना, ये है शुरू की मतलब 1.5 महीने में करवाई थी, जो रोन लगी रुक जमा हूँ। ये बाबा हम आगे हैं किचन में और आज बनाएंगे पाइनएप्पल शेक, और उसके लिए क्या करना बिल्कुल आसान है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो अभी अभी मैंने बातें बताई आपको इस पे सच्ची सच्ची बताना कि किस किस को कितने प्रतिशत यकीन हो गया था और कौन अपनी रिपोर्ट चेक करने भी की सोच रहा था, सच्ची सच्ची बताना। क्योंकि अब बताऊंगी मैं इसके ऊपर किस सच्चाई कि क्या कुछ सच्चाई होती है। तो साथ ही हम बनाएंगे शेक, और बिल्कुल आसान है पाइनएप्पल शेक बनाना, इसमें कोई झंझट नहीं है। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ ये शेयर भी कर लूँगी और ये बातें भी क्लियर हो जाएंगी। तो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है उसमें मैं आपको बताया कि अगर 140 से ऊपर हो BPM तो लड़की, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसका सिंपल सा रीज़न क्या होता है, एक्चुअली जब स्टार्टिंग में हमारा कोई बेबी होता है तो हमें
चाह होती है कि मतलब पता चले कि बेबी गर्ल है बॉय है, उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े खरीदे वो करें वो करें। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत था, लेकिन सेकंड बेबी में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो शुरू के बच्चे के जो कपड़े होते हैं स्टार्टिंग में वो नहीं को वॉश करके अच्छे से वो ही पहना देते हैं हम, तो इतना कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन जो शुरू के चाह होती है ना, इस चक्कर में हम सर्च करते हैं क्या कुछ होता है, तो इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं ये यूट्यूब वाले क्या उठा रहे हैं कि मतलब वीडियो डाल रहे, इतनी सारी वीडियो डाल रखी है, मैंने भी बहुत सारी देखी थी और यकीन भी करता है हम, क्योंकि हमारी मानसिकता उन्होंने ऐसी बना रखी, हमारी मानसिकता है कि कैसे पता चले हमें, लेकिन उन्होंने उसी के ऊपर वो बात पे दबाव दिया है और उस मानसिकता को ना गहरा कर दिया कि ऐसा कुछ है। तो हालांकि एक दो रिपोर्ट में अगर ऐसा है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बातें सच्ची हैं, ऐसा नहीं है, ये बस सिर्फ झूठ है। कईयों कमेंट करके बताना किस किस को ये बातें झूठ लग रही है, किसको सच, क्योंकि मुझे तो प्रॉपरली बिल्कुल बिल्कुल फेक लग रही है ये, और ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर अल्ट्रासाउंड में ना सरकार गवर्नमेंट BPM भी लिखवानी बंद कर देती, क्योंकि अपने यहाँ पे तो लड़का लड़की की जांच कानूनी है, अपराध है, और अगर ऐसे पता चलता तो उसको भी बंद करवा देती, उनका हम क्या उखाड़ लेते। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मानसिकता को बस ऐसे बढ़ावा देना है। और पाइनएप्पल शेक बनाना बहुत ही आसान है, मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। तो शेक की रेसिपी मैंने यूट्यूब से जो ली थी, तो वैसे ही सबसे पहले कट करवा रही हूँ पाइनएप्पल को, तो कुछ खा लिया इसमें से, कुछ रख लिया। क्या खाएगी? पाइनएप्पल आयो। अच्छा पाइनएप्पल इसमें ना डाल दू। तो शेक के लिए ये पाइनएप्पल काट लिया है, ये एक कटोरा है, और मतलब ये आधे से ऊपर है पाइनएप्पल, लगभग 1 kg। और अब इसको हम मिक्सी जार में डाल देंगे, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम चीनी ऐड करेंगे, 3-4 चम्मच। ज़्यादा पसंद है मीठा तो ज़्यादा, कम है तो कम, थोड़ा सा डालेंगे हम दूध, पहले थोड़ा डालेंगे। तो सबसे पहले हम 1 कप डालेंगे मिक्सर में दूध, 1 कप जो ये सारा पाइनएप्पल है, ढक्कन लगा देंगे और अब इसको मिक्सी में चला लेंगे। मुझे बस इस टॉपिक पे वीडियो बनानी थी, और इसीलिए मैंने वो सब दिखाया आपको स्टार्टिंग में कि मतलब ऐसा ऐसा कुछ होता है, ऐसे है, तो मैं देखना चाह रही थी कि मतलब सच्ची में आप लोगों की भी ऐसी है कि स्टार्टिंग में होती है सबकी मानसिकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ सिर्फ लोग कमाई के चक्कर में, अपनी यूट्यूब अर्निंग के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं कि मतलब कुछ भी दिखा रहे हैं और लोग भरोसा कर रहे हैं। आप कभी भी ये वीडियो देखोगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके देखा करो कि मतलब सब अपनी राय जरूर देते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता सच। ये होता है कि जिस BPM का मतलब क्या होता है, बच्चे की धड़कन का मतलब, कि 120 और 160 से अगर कम है, 120 से कम है और 160 से ज़्यादा है तो खतरा होता है बेबी को, और अगर इसके बीच में हो तो बच्चा नॉर्मल होता है, और अगर ज़्यादा है बच्चे की हार्टबीट, जैसे उर्वी की थी तो ये कितनी एक्टिव है, तो एक्टिव होता है, और ये बोलते हैं कि मतलब एक होता है कि चंदन में बच्चा पेट पड़ा है उसका, तो अभी मैं आपको सच बताती हूँ, मैं और चंदन थी उस टाइम पे, और जो सम विषम की संख्या अगर हम लगाएं तो उसके अकॉर्डिंग है, तो देखते हैं क्या क्या अगर हो भी जाता है ना, मतलब अगर लड़की होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि BPM के इससे पता चला है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ अगर 1-2 केस ऐसा होता है ना, तो हम विश्वास करने लगते हैं कि हाँ भाई इस यूट्यूबर ने ना बिल्कुल सच कहा था, तो बिल्कुल सच नहीं होता, और ऐसी बातों पे बिल्कुल भी कतई भी विश्वास ना करें। और अभी बना लेते हैं हम शेक, और कैसे क्या बनता है मैं आपको बताती हूँ। तो अब इसको हम चला लेंगे मिक्सी जार को,
तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है थोड़ा सा दूध डाल के, और फिर बाद में बाकी का दूध भी मैंने डाल दिया। तो मेरा 1.5 लीटर दूध वेस्ट गया। क्यों गया मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लास्ट तक देखना वीडियो को, सच्चाई आपके सामने यूट्यूब की। तो ये देखो मैंने इसको टेस्ट किया था तो बिल्कुल गंदा टेस्ट था, और फिर मैंने सोचा चलो इसको छान के देख लेती हूँ मैं। तो मैंने इसको छान के भी टेस्ट किया तो ये देखो, तो बहुत ही गंदा गंदा, क्या बहुत ही घटिया टेस्ट है। सोचा चलो आप सभी को बता दूँ ताकि आप ये गलती ना करें। फाइनली मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे दिखने वाली बताने वाली हर चीज सच नहीं होती। क्यों सच मान लेते हो? मैं बेवकूफ, मैं ना स्टार्टिंग से मुझे ना बहुत टाइम से बहुत शौक था कि मतलब जो देखती हूँ ना वो बनाने की अब मन करता है। और आज भी जैसे एक तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है वो, उस पर भी मैंने यकीन कर लिया था क्योंकि उर्वी के टाइम पे BPM 155-4 ऐसे कुछ था। तो उसके बाद मुझे लगा हाँ भाई बिल्कुल सच है ये बात, तो लगा ना, क्योंकि हमारे साथ जो चीज प्रूव हो जाती है तो हमें वो यकीन करने लगते हैं उन बातों में। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये सब दिखावा है। अभी पाइनएप्पल सेक ही लगा लो, मैंने हर उसी तरीके से बना था जैसे उन्होंने बताया, और इतना गंदा टेस्ट, मन भी नहीं कर रहा पीने का। अभी इसको ना फेंकूंगी सारे को, कहाँ जाएगा अब ये, भैंस के, हमारी तो भैंस है तो भैंस के चाट में जाएगा, बिल्कुल भी टेस्ट ही नहीं लगा। मम्मी से पूछो, मम्मी किसा लग गया सेक? कड़वा कड़वा लग गया बेटी। कति घटिया और घटिया स्वाद वाला गया आंटी, कति जमा। तो भाई मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रही, मैं चाह रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबरों को ना रियल की चीज़ें पता चले, ये पता चले कि हाँ बिल्कुल गलती से भी ट्राई मत करना। जूस तो देखो मैंने कभी निकाला नहीं इसका। हाँ खाने में ठीक है, थोड़ा जीभ कटता है, लेकिन प्रेगनेंसी के 3 महीने में तो आप बिल्कुल भी ना खाएं, उसके बाद आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो, लेकिन सेक बनाने की गलती बिल्कुल भी मत करना।